पर्वतपुरा रिको इंडस्ट्रियल एस्टेट में काफी लंबे समय से लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रिको द्वारा यहां का कार्य ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन ठेकेदार के कार्मिक यहां कोई काम नहीं करते, जिससे इस इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं रात को लाइट नहीं जलती, जिससे यहां चोरियों का ग्राफ भी बढ़ गया है। साथ ही सड़क और नाली के अभाव में फैक्ट्रियों के दोनों ओर कटीली झाड़ियां उग गई, जो बरसात में तेजी से बढ़कर रास्ते में बाधक बन रही है। सोमवार को वैशाली नगर स्थित रिको कार्यालय इकाई अजमेर पहुंचे मीडिया ने जब इस समस्या के बारे में सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर एसपी शार्दुल से मुलाकात करना चाहा तो वे अवकाश पर थे। इसके बाद असिस्टेंट रीजनल मैनेजर कमल कुमार मीना से बात की तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल इस्टेट माकूपुरा के विकास कार्य के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसका जल्द ही टेंडर होने वाला है। इसके बाद यहाँ की समस्याओं से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र झाड़ियों को कटवाकर साफ सफाई कराई जाएगी, साथ ही रोड लाइट का भी रख रखाव करने के लिए ठेकेदार को पाबंद किया जाएगा। माकूपुरा में जो भी समस्या आप लोग बता रहे हो, जैसे ड्रेन नहीं है, झाड़ियाँ है और रोड साइड पे मलबा पड़ा है, तो वो विद इन वीक हमने पहले मतलब एक कोई वर्क ऑर्डर दे रखा 7 लाख का, तो विद इन मतलब 5-7 दिन में वो काम करा दिया जाएगा। और कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हमने 5 करोड़ 80 लाख की एक स्कीम बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत, MSEC CDB, तो वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। जैसे ही वो सिक्योर होगा तो आप मतलब रोड है ऊपर, रोड ड्रेन और लाइट तीनों नहीं ले रखे उसमें। हाँ तो चोरियाँ वैसे तो स्ट्रीट लाइट जहाँ तक चालू नहीं है, तो कल की तारीख में सारी स्ट्रीट लाइट चालू करा दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट से बात होगी, वो कल कर देगा आगे। सिक्योरिटी गार्ड को लेकर रिको की तरफ से तो मतलब पहले तो कोई व्यवस्था तो है नहीं है, वो एसोसिएशन के माध्यम से बात करते हैं उनसे, क्या वो सोल्यूशन निकलता है। माना जा रहा है सर वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको लेकर के आने जाने में कई परेशानी आती है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। हाँ तो वो जो भी झाड़े हैं वो विदिन से मतलब 7 दिन में साफ कर दी जाएगी। खड्डों के लिए हमने पेचवर के लिए टेंडर लगा रखा 7 लाख का, तो इसी महीने में करा दिया जाएगा। वो बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो रहा काम।